हमारे पास है ये डिजिटल क्लैंप मीटर, इसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल क्लैंप मीटर, इसको हम क्लैंप बोलते हैं। अगर एम्पियर नापना है तो एम्पियर मीटर का यूज कर सकते हैं। हो सकता है अगर हमारे पास एम्पियर मीटर नहीं हो, इस तरीके का डिजिटल क्लैंप मीटर हो, तो आसानी से हम यूज नाप पाएंगे कि हमारा कितना एम्पियर यंत्र उपकरण या जो भी हमारा उपकरण है कितना एम्पियर ले रहा है, इससे पता कर पाए। क्या करना पड़ता है आपको ध्यान देखिए, सेटअप करना है, इसको लीवर को घुमाना है, सेट करना है 200 एम्पियर पे, जहाँ लिखा है एसी है इस पे आपको सेट करना है 200 पे। इसके लीवर को ऐसे फैलाएंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक कोर लगे होते हैं, देख रहे हैं ना, ये है विद्युत को रीड करता है कितना तार में धारा बह रहा है। तो ये किधर है, एक इधर आपका बना हुआ है, तो ये क्या होते हैं मैग्नेटिक सिस्टम लगे हुए हैं, जो वायर के अंदर में बह रही धारा क्या कर लेते हैं, जितना भी आपका धारा बह रहा होगा ना उसके हिसाब से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अंदर। उस मैग्नेटिक फील्ड को रीड करने का काम कौन करता है, आपका ये लीवर, जिसको हम बोलते हैं क्लैंप। चलिए एक बार प्रैक्टिकली करते हैं कि ये रीड करता भी है कि नहीं, बस इसको वायर में क्या करना है, लटका देना है, आपका यहाँ जितना एम्पियर लोड चल रहा होगा बता देगा। एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वही हम नापने का काम करेंगे, कितना एम्पियर इसके अंदर ऐसे लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए इस पे लोड नहीं है तो नहीं दिखा रहा है ना, अब हम लोड वाले में लगाएंगे और आपको दिखाते हैं कि दिखाता है कि नहीं। जैसे इस पे देखिए लोड चल रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ देखिए बन गया ना, तो उधर 1 या 0.9 मतलब 1 एम्पियर के आसपास का हमारे यहाँ लोड इस वायर पे चल रहा है। तो जब लोड चलेगा तो क्या कर देगा, बता देगा। यहाँ से आप डाटा को होल्ड कर सकते हैं, देखिए ये स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे जो लोड चल रहा है इस वायर में, ये चल रहा है 0.9 का, बशर्ते इस वायर में बिल्कुल भी लोड नहीं है। लेकिन अभी इस पे हम लोड जनरेट करके दिखाते हैं किस तरीके से बताएगा। तो देखिए इसको हम जीरो करते हैं और इस बोर्ड के स्विचेज को ऑन करेंगे। ध्यान देखिए हम यहीं पे दोनों पुट अप कर रहे हैं, यहाँ पे ये पहले स्विच को ऑन किए, दूसरे को ऑन किए, तीसरे को, चौथे को, ये आपका लोड बनना चालू है ना। तो 0.2 एम्पियर चारों स्विच को ऑन करने पे, क्योंकि 2 से लाइट है और 2 से पंखा है, तो दोनों पंखे मिला के 0.2 एम्पियर के आसपास का लोड यहाँ पे जनरेट किए हैं। अभी वापस बंद करते हैं, देखिए लोड खत्म। तो इस तरह से लोड, पंखा का कितना लोड होगा एम्पियर तो बताने वाला नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह से काम आपका करता है, ठीक है। इसको लगाएंगे, देखो इतना बता रहा है, जितना लोड चलेगा वो क्या करता है आपका बताता है, ज्यादा लोड चलेगा ज्यादा, कम चलेगा। तो ये हमारा था क्लैंप का यूज। अब क्लैंप का यूज आप एसी फ्रिज में कैसे करेंगे, जब एसी में गैस भर रहे होंगे तो क्या करेंगे, इसको अनहोल्ड कर लेंगे और इसको एसी के एक वायर में लटका देंगे। अब गैस भरना स्टार्ट करेंगे, जब गैस भरना ही मैंने बोला था बीच में कि बताऊंगा एक टूल्स के बारे में, वही ये टूल्स है। गैस भरते हैं, कंपाउंड गैस का यूज तो करते ही करते हैं, कितना गैस भर रहे हैं, साथ में इसको भी एम्पियर पे सेट करके एक वायर में लटका देते हैं। मोस्ट ऑफ फेस वायर लटकाइए, अच्छा काम करेगा। तो फेस वायर लटका देंगे, लटकाने के बाद से गैस भरना चालू करेंगे। मान लो एसी में गैस भर रहे हैं, एसी के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि लोड पे कितना एम्पियर लेगी, लोड मतलब गैस के साथ में चलेगी तो कितना एम्पियर लेगी। अब वहाँ लिखा है कि 9 एम्पियर लेगी, तो तब तक गैस भरते रहिए जब तक इसमें 9 एम्पियर की रीडिंग ना आए, क्योंकि शुरुआत में बिना गैस के चलेगी तो 0.5 के आसपास या 1.8 के आसपास लोड बताएगी। जब गैस भरते जाएंगे तो लोड क्या होगा, बढ़ता जाएगा और इसकी स्विच क्या होगी, मैंने वो भी करके आपको दिखाया था, जैसे पंखे एक लाइट चढ़ के कुछ नहीं हुआ, दूसरी लाइट कुछ भी नहीं हुआ, पंखा ही चढ़ के एक हुआ, दूसरा ही चढ़ के 2 हो गया है ना। ऐसे जब लोड बढ़ेगा तो उसको इसका क्या होगा, एम्पियर जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब 9 एम्पियर की लोड आ जाए, मान लो एसी 9 एम्पियर पे फुल गैस पे चलती है 9 एम्पियर लेकर के, तो 9 एम्पियर का रीडिंग दिखा दिया, गैस भरा गया, तो इसका भी हम यूज कर पाएंगे वहां पर गैस भरते समय या आराम से क्लैंप कर देना। तो ये एक मैकेनिक के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये होना चाहिए एक मैकेनिक पास जो भी है। फटाफट से बाकी बता देता हूँ, जो मल्टीमीटर बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है एसी 750, इस पे सेट करके इसके अंदर में 2 वायर लगाएंगे, ये कुछ इस तरीके के वायर होते हैं, इन 2 वायर को लगाएंगे इसके अंदर में, ऐसे लगा करके क्या करेंगे, इसका ऑलरेडी यूज बता रखा हूँ कैसे करते हैं, मैं बस शॉर्टकटली बता रहा हूँ आपको। तो इसको क्या करेंगे, लाइट में खोज देंगे फेस न्यूट्रल में, तो बता देगा कितना वोल्ट आपका लाइट आ रहा है। तो वोल्ट मीटर नहीं है तो ये काम कर देगा आपका वोल्टेज नापने के लिए, है ना, एम्पियर नापने के लिए का मतलब, ये ले लिए तो अलग अलग वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लेने की जरूरत नहीं है, काम कर देगा। डीसी चेक करना है तो डीसी भी 1000 वोल्ट पे सेट कर, देखिए यहाँ पे लिखा है डीसी भी 1000 वोल्ट पे सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद इसको बैटरी के 2 टर्मिनल पे लगाएंगे, बैटरी में 2 टर्मिनल प्लस और माइनस उस पे लगा देंगे, किसी को किसी में लगा सकते हैं। बता देगा कितने वोल्ट की बैटरी है, कितनी चार्ज है, समझ आ रहा है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट ही चार्ज, 6 वोल्ट ही दिखाएगा, समझ आ रहा है।
तो बैटरी ये दिखाता है, चार्जिंग दिखाता है, तो इससे हम नाप पाएंगे कितना वो चार्ज है। इसके अलावा ये हमारा एक मोड है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड, यहाँ पे एक साउंड आती है ना, इसको चिपकाएंगे तो साउंड आता है। इसकी बैटरी डिस्चार्ज, यहाँ देखते हैं बैटरी का सिंबल है, इसलिए साउंड नहीं कर रहा, बट नहीं तो साउंड आती है, यहाँ से साउंड मोड पे साउंड आएगा। तो किसी उपकरण की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या कर पाएंगे, लगा करके चेक करेंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस चेक करना है, रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। सेम इतना काम इससे करेंगे, वही काम इधर भी है, तो दोनों तरफ सेम ही काम है। ये सारे काम आप इसके मदद से कर सकते हैं, ठीक ना। एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, किसी उपकरण की कंटिन्यूटी उपकरण सही है कि नहीं उसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस इससे आप चेक कर पाएंगे, ये सारा काम इससे आपका हो जाएगा, और इससे तो आपका एम्पियर से बढ़िया। चलिए ओके।